हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा सो गाइस बड़े टाइम से जिस एक एग्ज़ाम एक का हम लोग वेट कर रहे थे वो एग्ज़ाम फाइनली कल आप लोगों का होने जा रहा है ओके okay. 2020 हज़ार की स्टार्टिंग के अंदर अपनी नोटिफिकेशन आई थी अक्टूबर के अंदर पेपर होना था लेकिन नहीं हुआ उसके बाद मई में, में पेपर होना था 2021 में नहीं हुआ अब फाइनली आपका जा के पेपर होने जा रहा है यू पी का ठीक है तो काफ़ी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है काफ़ी फ्रेशर्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे काफ़ी लोग जो ऑलरेडी वर्किंग थे वो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे बिकॉज एक बहुत प्रस्टिजियस जॉब है ठीक है जनरली एग्ज़ाम्स में क्या होता है बेटा जनरली एग्ज़ाम्स में एक चीज़ होती है कि पेपर आया नोटिफिकेशन निकला दो महीने बाद पेपर हो गया बच्चे ने तैयारी करी पेपर दिया तो एक स्ट्रेस नहीं बिल्डअप होता यूपीएससी ई के एग्जाम में क्या हुआ अपन लोगों के ऊपर एक स्ट्रेस बिल्डअप हो गया स्ट्रेस कैसे बिल्डअप हुआ पेपर कब होगा कब नहीं होगा ठीक है पेपर का पैटर्न भी बहुत अनसर्टन है और राइट सो डेफिनेटली और पेपर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी नॉर्मली सारे एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछे जाते हैं अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है कोई सी की तैयारी कर रहा है कोई सी की तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ और गैप का सब्जेक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया अपने बाकी के एग्जाम्स में नहीं आता तो इसी वजह से एक स्पेशल पेपर ये बन के बन करके रह गया है तो जाहिर सी बात है जब इतना स्पेशलिटी किसी चीज़ के अंदर क्रिएट हो जाती है ठीक है एक इजी जॉब है एक प्रेस्टिजियस जॉब है ऑलराइट राइट और ये जो कोविड की वजह से इसके अंदर ये सस्पेंस बना रहा तो कहीं ना कहीं जब इतनी सारी चीजें हो जाती है ना तो दिमाग के अंदर बहुत प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है ठीक है एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से बहुत से बच्चों की प्रिपरेशन खराब भी हुई कब होगा कब नहीं होगा उस चक्कर में हम पढ़ाई हमने नहीं की या पढ़ाई पूरे अच्छे से नहीं की गई बट अब ये सब बातें सोचने का कोई फायदा नहीं है कल अपना फाइनली एग्जाम होने वाला है और एग्जाम में जाने से पहले मैं आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें या कुछ बहुत बड़ा नहीं बोलने वाला हूँ कि ऐसा कर देना वैसा कर देना ये कर देना वो कर देना मैं आपको कोई कट ऑफ टारगेट्स नहीं देने वाला हूँ मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि डोंट गो इन द एग्जामिनेशन हॉल जब आप पेपर देने जाओगे क्लास के अंदर आप ये सोच करके मत जाना कि ये जो आपका एग्जामिनेशन है ये एंड ऑफ द लाइफ है ये एंड ऑफ द रोड है फॉर यू नहीं लाइफ बहुत बड़ी है अभी आप लोगों की एज क्या है इक्कीस बाईस तेईस साल ज्यादा से ज्यादा आप तीस साल के ब्रैकेट में होंगे इकतीस साल का होगा उससे ज्यादा उम्र तो नहीं होगी ना ठीक है उससे ज्यादा भी अगर उम्र है किसी की उससे ज्यादा एज वाला भी अगर कोई इस पेपर को दे रहा है बिकॉज एलिजिबिलिटी अगर आपकी सेट बनती है तब भी इट इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर लाइफ ठीक है इट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ इसको अपना एंड ऑफ द लाइफ आपने नहीं कंसिडर करना है किसी भी केस में सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं है यार किसी भी एग्जामिनेशन को डू नॉट कंसिडर एंड ऑफ योर लाइफ उसको अपनी जिंदगी का अंत मत समझो ठीक है लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं दिस इज वन ऑफ द चैलेंज ठीक है कुछ चैलेंजेस में आप पास होते हो कुछ चैलेंजेस में आप फेल हो जाते हो एंड इट इज नॉट कि फेल हो गए एक्चुअल में इट इज कि वो चैलेंज जो था उसमें आप सक्सेस या उसको क्रॉस नहीं कर पाए यू हैव टू ट्राई हार्डर ठीक है सो डेफिनेटली चैलेंजेस चैलेंजेस को लाइफ लाइफ और डेथ नहीं बनाना है है बिल्कुल भी भी में ये एग्जाम अगर क्लियर हो भी गया ठीक आगे लाइफ में और चैलेंज आएंगे और कोई ना कोई चैलेंज तो ऐसा आएगा ही आएगा बेटा जहां पर आप जो है रुक जाओगे आपकी स्पीड को स्लो डाउन कर दिया जाएगा बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं अगर आप देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैलेंज के अंदर वो रुके हैं

काफी साल पहले 2015 के अंदर विराट कोहली वॉज सीन क्राइंग इंडिया लॉस्ट वर्ल्ड कप और उसके बाद विराट कोहली के अंदर आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा पहले थोड़े से मोटे ताजे हुआ करते थे उसके बाद उनका फिटनेस लेवल आज की डेट में उन, उन, जितना फिट कोई स्पोर्ट्समैन मेरे ख्याल से नहीं होगा ठीक है सो चैलेंजेस आपको सिखाएंगे आपने उससे डर करके नहीं जाना पेपर में इतना बड़ा बोझ लेकर के नहीं जाना कि मेरी अभी तक नौकरी नहीं लगी है ये वाला पेपर भी नहीं क्लियर हुआ तो मैं क्या करूंगा कुछ तो कर ही लेगा यार कुछ तो कर ही लोगे ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा लाइफ के अंदर समझ रहे हो कुछ ना कुछ होगा आगे भी स्ट्रगल आएंगे अगर ये एग्जामिनेशन क्लियर हो गया उसके बाद भी स्ट्रगल आएंगे ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि ये वाला एग्जाम क्लियर कर लो तो स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे ये तो बचपन से माँ बाप बोली देते थे आपको बस टेंथ क्लियर कर ले फिर मज़े ही मजे हैं ट्वेल्थ क्लियर कर ले बस मजे ही मजे हैं कॉलेज अच्छे से क्लियर कर ले फिर उसके बाद लाइफ में मज़े ही मजे हैं वैसे ही आपको अब ये धुन लग गई होगी कि ये पेपर क्लियर कर लेते हैं फिर मजे ही मजे हैं पेपर क्लियर करोगे उसके बाद कोई और चैलेंज आ जाएगा ठीक है सो so, बिल्कुल टेंशन के साथ नहीं जाना है पेपर में जितना ज्यादा रिलैक्स होकर के जाओगे जितना ज्यादा ये सोच करके जाओगे कि दिस इज जस्ट अ चैलेंज ये सिर्फ एक नया चैलेंज है ठीक है एंड आई हैव टू लर्न फ्रॉम द चैलेंज आई विल ट्राई माय बेस्ट की क्लियर हो लेकिन अगर नहीं भी क्लियर होता है तो ये एक चैलेंज है मेरे लिए अल्टीमेटली ठीक है तो ये चीज सोच करके पेपर के अंदर जाना है वहां पर बिल्कुल बिंदास बैठना है कोई कट ऑफ का टारगेट नहीं लेकर के जाना है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में मेरे पास बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमारा टेस्ट सीरीज में ये मार्क्स आता है टेस्ट सीरीज में वो मार्क्स आता है कुछ नहीं करके जाना है पेपर को वहाँ पर अच्छे से एक बार देखना है उसके बाद पेपर का डिफिकल्टी लेवल वहीं पर जज करना है ठीक है कि पेपर ज्यादा डिफिकल्ट है या पेपर नॉर्मल है उसी के हिसाब से अपना अटेम्प्ट और उसी के हिसाब से अपना कट ऑफ सेट करना है अगर पेपर आपने तैयारी करी है अगर आपको अपने ऊपर भर, भरोसा है कि हाँ मैंने तैयारी करी है ठीक है तो उस पेपर को अगर आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है तो वो बाकी बच्चों के लिए भी डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली कट ऑफ नीचे जाएगी ठीक है और अगर आपको पेपर ईजी लग रहा है तो पेपर इजी में भी बिल्कुल ये नहीं हो जाना है कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस करके आने हैं क्योंकि जब पेपर इजी होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं तो अगर पेपर इजी है ठीक है आपको लग रहा है पेपर इजी है तो डेफिनेटली आपको अगर पेपर इजी लग रहा है तो आपको मतलब ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको फालतू के फिर रिस्क नहीं लेने हैं ठीक है ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है नेगेटिव मार्किंग में मात नहीं खानी है ठीक है और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है रात को अच्छे से सोना है सुबह टाइम से उठना है एक घंटा पहले आपने आधा घंटा पहले एटलीस्ट अपना टारगेट लेकर के चलना है कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुंच जाए देखो ये बात मैं अभी पहले ही क्लियर कर देता हूं एग्जामिनेशन सेंटर में जब हम भाग भाग कर पहुंचते हैं ना बिल्कुल पांच मिनट पहले दो मिनट पहले एक तो उसमें रिस्क हो जाता है क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में दस मिनट पहले अगर गेट बंद हो गया तो उसके बाद वो किसी को नहीं घुसने देते हैं दूसरा अगर आप टाइम पे पहुंच भी गए एक दो मिनट तीन मिनट पहले पहुंचे भाग भाग कर भाग भाग कर उसमें क्या होता है आपका दिमाग का आधा जो कंसेंट्रेशन है आपका जो स्ट्रेस है वो ऑलरेडी माइंड के अंदर बिल्डअप हो चुका है आप ऑलरेडी अपने जो रिलैक्स्ड जोन से जोन है उससे बाहर निकल चुके हो अब आप ऑलरेडी आपके दिमाग का एक तरह से मैं अगर टपोरी लैंग्वेज में कहूँ आपके दिमाग का ऑलरेडी दही हो चुका है तो आपके जो सोचने समझने एनालिसिस की क्षमता है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है तो इसी वजह से आधा घंटा वहां पर वेट करने में कोई नुकसान नहीं होता डिस्पोजेबल ग्लास ले जाओ चाय ले जाओ वहां पर चाय वाय पियो आराम से बैठो कोई दिक्कत नहीं है एटलीस्ट वो फालतू का बर्डन आपके ऊपर बिल्ड नहीं होगा ठीक है और बारह तेरह घंटे बचे हैं आप एग्जामिनेशन के लिए इसमें कोई बहुत बड़े तीर नहीं चल जाने वाले हैं तो बिना बात के अब अपने आपको किताबों के अंदर भी घुसा के मत रखो ठीक है कोई एक आधा टॉपिक रिवाइज करना है तो कर लो उसके अलावा फालतू का पढ़ने का कोई फायदा है नहीं जो अगर पिछले डेढ़ साल में नहीं हुआ वो याद रख लेना अगले बारह घंटे में भी होने वाला नहीं है तो टाइम से सोना ऐसा नहीं है कि तीन बजे तक मैं तो रिवाइज करूंगा या करूंगी चार बजे तक रिवाइज करूंगा कोई फायदा नहीं है पेपर के अंदर कंसेंट्रेशन लो हो जाएगी अपनी अच्छे से सात आठ नौ घंटे की नींद लो मूवी शूवी देखो अभी थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो जो होना वो अब हो जाए कोई टेंशन नहीं है बिंदास जाना एक है एकदम ठीक है बड़े बड़े सुपरस्टार्स की भी मूवीज फ्लॉप होती हैं बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी जीरो पे आउट होते हैं ठीक है तो डेफिनेटली तुम ऐसे कोई भगवान नहीं हो कि अगर तुमने भगवान के ऊपर ऐसे बिल्कुल ताने मत चलाना कि मैं डेढ़ साल से पढ़ रहा हूँ ये तूने क्या किया ऐसा कुछ नहीं है ठीक है बाहर जो वर्कर्स काम करते हैं पूरा पूरा दिन धूप में सड़ते हैं उस हिसाब से तो उनको करोड़पति बिलियनियर्स होना चाहिए ठीक है पर बेचारों को मिनिमम वेज भी जो ओनर uh, होता है एम्प्लॉयर होता है वो मिनिमम वेज भी रोपीट करके देता है ठीक है तो मेहनत करना आपका काम है और थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रखना भी हर हम इंसान हैं हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं

ऐसा क्यों ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी कई बार ऐसा होता है किसी सेट के अंदर देखो सेट बने होते हैं ए बी सी डी किसी सेट के अंदर पहले दस क्वेश्चन आसान होंगे किसी सेट के अंदर पहले दस मुश्किल होंगे तो उस चीज के ऊपर उस चीज से हाथ पैर अपने नहीं बिल्कुल फैलाने हैं ठीक है बिल्कुल रिलैक्स रहना है बिल्कुल कंपोज रहना है बिल्कुल काम रहना है और वो तभी रह पाओगे जब ये सोचना बंद कर दोगे कि ये पेपर मेरी जिंदगी में मेरा लाइफ या डेथ का सवाल है जब ये सोचना बंद कर दोगे तब अपने आप रिलैक्स हो जाओगे ठीक है चलो सो ऑल द बेस्ट गाइज कीप वर्किंग हार्ड इवन इफ यू डू नॉट सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन ओके लाइफ में आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर प्लैंड होगा बस आपको हार्ड वर्किंग रहना है हार्ड वर्किंग अगर जो इंसान है वो लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेता है ठीक है सो डेफिनेटली एग्जाम आपका जरूर बहुत अच्छा होगा बस अपने आप को कंपोज रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट पेपर के बाद ज़रूर बताइएगा ई मेल आई डी आप सबके पास मेरी है ही शिक्षित ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन कर दूंगा ठीक है व्हाट्सएप पर भी आप मुझे जो है बता सकते हैं कैसा रहा आप लोगों का पेपर ओके सो डेफिनेटली आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइस सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय